कॉपीड गेम जिनको हम ओरिजिनल समझकर खेल रहे हैं, लेकिन वो किसी ना किसी एक ओल्ड गेम की कॉपीज हैं। और उनमें से तो एक ऐसा भी गेम है जिसने अपने ही गेम को कॉपी कर रखा है। और हमारी लिस्ट में बहुत से पॉपुलर गेम्स भी हैं, लाइक टेंपल रन और कैंडी क्रश। इस वीडियो को देखते देखते आपको शौक लगने वाला है, इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखना। नंबर 10 पे है पैकमैन। इस गेम की कॉपी बनाने वाले डेवलपर ने बस कैरेक्टर को ही कस्टमाइज करा था, और कैरेक्टर कस्टमाइजेशन में भी बस पैर और हाथ बना दिए, और वो भी कैप के साथ। और इससे भी बड़ी बात, पैकमैन के डेवलप ने इस गेम को डबल पैसे देके खरीद दिया और नया गेम लॉन्च करा जिसमें कैरेक्टर को मेल से फीमेल बना दिया। पहले मुझे ये बताओ कि इस गेम का नाम क्या होगा, पैकमैन या पैकवुमैन? नंबर 9 पबजी। इस गेम की कॉपी तो बहुत है, लेकिन ये कॉपी तो बहुत ही शानदार है, जिसका नाम है सब्जी। इस गेम की सबसे अच्छी कॉपी है फौजी। शिट, कोई कुछ नहीं बोलेगा, हमसे तो यही बोला गया था कि ये गेम बिल्कुल पबजी की जैसा ही होगा, लेकिन जब हमने इस गेम को खेला तो हमारा रिएक्शन बिल्कुल ऐसा था, मजा नहीं आ रहा है। लेकिन तुम लोग मुझे कमेंट में बता सकते हो कि इस गेम की सबसे अच्छी कॉपी कौन सा गेम है। नंबर 8 क्रश द कैसल। इस गेम का नाम मुझे पता है तुम लोग पहली बार सुन रहे हो, लेकिन ये बहुत ही पॉपुलर गेम की ओरिजिनल कॉपी है। गेम प्ले देख के तुम लोग समझ ही गए होगे कि मैं किस गेम की बात कर रहा हूँ। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एंग्री बर्ड की। इस गेम ने पत्थर फेंकने वाली मशीन की जगह गुलेल लगा दी और पत्थरों की जगह चिड़िया। गेम को कॉपी करने की स्पीड इतनी शानदार थी कि इसने 6 महीनों में ही गेम को पूरा कॉपी कर दिया। इतने टाइम में तो मेरा दोस्त 12th भी नहीं पास हो पाता। नंबर 7 सर्वे सफर द एंडलेस रनिंग गेम। ये गेम पेप्सी मैन नाम के गेम से कॉपी करके बनाया गया है। टेंपल रन सर्वे सफर का छोटा भाई, जिसकी जंगल वाली थीम क्रैश बैंडिकॉट नाम के गेम से कॉपी करी गई है। नंबर 6 वाले गेम ने तो अपने ही गेम को कॉपी करा है, वो भी ये बोल के कि हमारा पिछला वाला गेम बहुत ही ज्यादा हार्ड था। और आप लोगों को गेम प्ले देख के ही पता चल गया होगा कि मैं किस गेम की बात कर रहा हूँ, जिस गेम का नाम है सुपर मारियो। इस गेम की ओरिजिनल कॉपी का नाम था टोक्यो द पैनी। नंबर 5 कैंडी क्रश। ये गेम तो आपके घर में किसी ना किसी ने तो खेला ही होगा, लेकिन इसके सारे लेवल्स कंप्लीट नहीं किए होंगे, क्योंकि इसको कंप्लीट करने के लिए हमारे 7 जन्म लग जाएंगे। स्टार्टिंग में तो ये गेम बहुत ही ज्यादा सिंपल होता है, लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते ये गेम बहुत ही ज्यादा हार्ड होता जाता है। लेकिन ये गेम भी कॉपी करके बनाया गया है, इसका ओरिजिनल वर्जन है पेवल द गेम। इस गेम में बस एक ही चीज चेंज कर रखी है, कुछ कलरफुल शेप्स की जगह कैंडी लगा दी और सब कुछ सेम था। नंबर 4 फॉल गाइस। ये गेम बेस्ट एग्जांपल है कि हम इम्प्रूवमेंट नहीं करेंगे तो हमारा डाउनफॉल स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि इस गेम की कॉपी करके स्टंबल गाइस नाम का गेम बनाया गया था, जो कि ओरिजिनल वाले से बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। जो इसका ओरिजिनल वर्जन था वो पीसी और कंसोल में लॉन्च हुआ था, और कॉपीड वर्जन एंड्रॉइड और iOS में। कॉपीड वर्जन में हम कैरेक्टर कस्टमाइज भी कर सकते थे, और ये गेम एक टाइम पे इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया था कि ये सेकंड मोस्ट डाउनलोडेड गेम था, और इस गेम ने 2 साल में ही $63 मिलियन कमा लिए थे। नंबर 3 अमंग अस। इस गेम की टोटल 3 कॉपीज हैं, और एक ने तो लाखों में पैसे कमा रखे हैं। पहला गेम है सस्पेक्ट मिस्ट्री मैंसन। इस गेम ने कैरेक्टर को चेंज किया, गेम प्ले और आइडिया बिल्कुल सेम रखा। सेकंड पे है इम्पोस्टर बैटल रॉयल। इस गेम ने तो बिल्कुल कुछ भी चेंज नहीं किया, बस कैरेक्टर्स के हाथ में वेपन पकड़ा दिया, बस बन गया गेम। जो हमारा थर्ड वाला गेम है उसका नाम है सुपर सर। ये गेम तो और भी महान है, इस गेम ने तो सब कुछ 3D में बना दिया और कुछ भी नहीं। नंबर 2 माइनक्राफ्ट। ये गेम तो बहुत ही पॉपुलर है, तो कॉपी तो बनने ही थे, लेकिन इनमें से 2 ही गेम है जिनको हम अच्छा कॉपी कह सकते हैं। तो फर्स्ट वाले का नाम है माइनक्राफ्ट। ये बिल्कुल माइनक्राफ्ट की ही तरह गेम है। इस गेम में कुछ ही चीजें होंगी जो कि चेंज होगी, बाकी तो सब बिल्कुल माइनक्राफ्ट से ही कॉपी कर रखा है। सेकंड पे है सर्वाइवल क्राफ्ट। ये बिल्कुल माइनक्राफ्ट की तरह है, पर आप एक आइलैंड में फंसे हुए होते हो और आपको वहां से निकलना होता है। करेक्टर भी बिल्कुल एक रियल लाइफ की ही तरह है, और आप लोगों को ये गेम एक ना एक बार तो ट्राई करना ही चाहिए। और मैं जितने भी गेम बता रहा हूँ वो आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएंगे, और इस वीडियो को भी लाइक कर दो, वीडियो पे 100 लाइक तो हो जाने ही चाहिए। नंबर 1 GTA 5। इस गेम की तो 1000 से भी ज्यादा कॉपीज हैं। ऐसा तो एक भी डेवलपर नहीं होगा जिसने इस गेम को कॉपी करने के बारे में एक बार भी नहीं सोचा होगा, लेकिन इतना अच्छा गेम नहीं बना पाए। लेकिन 3 ऐसे गेम भी हैं जो कॉपी करने के बाद बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो गए। फर्स्ट पे आता है इंडियन वाइल्ड ड्राइविंग 3D। ये गेम बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है, और इस गेम के नाम से पता चल रहा होगा कि इस गेम को इंडियन डेवलपर ने बना रखा है। ये गेम बहुत ही शानदार मोबाइल गेम है, और इसमें आप GTA की तरह ही चीट कोड्स यूज कर सकते हो। सेकंड पे आता है गैंगस्टर वेगास। ये गेम बहुत ही अच्छा ग्राफिकल गेम है। इस गेम को आप मोबाइल GTA 5 भी बोल सकते हो, क्योंकि इस गेम का गेम प्ले और ग्राफिक्स बहुत ही अच्छे हैं। लेकिन जितने अच्छे ग्राफिक्स हैं उतने ही अच्छा आपको डाटा देना पड़ेगा, क्योंकि इस गेम का साइज 2 से 2.5 GB तक है। और हम GTA 5 की बात करें तो इसके मोड्स की तो बात होनी ही थी। तभी 3rd नंबर पे आता है GTA 5 मोड। इस गेम के कैरेक्टर, मैप और ग्राफिक्स बिल्कुल GTA 5 की ही तरह है। इस गेम को आप रियल कॉपी कह सकते हो किसी गेम की। इस गेम को खेलते खेलते आपको पता ही
ही नहीं चलेगा कि आप किसी मोड को खेल रहे हो या किसी कॉपी को। तो ये वाली वीडियो यहाँ पर खत्म हो चुकी है। आप लोग कमेंट में बता देना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी और आपको ऐसे वीडियोस पसंद आते हैं या नहीं। तब तक के लिए बाय।